और उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी जो है आज यहाँ से इस क्लास से बहुत अच्छा कुछ सीख के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एचएसएस ग्रुप की तरफ से, हम सारे मेंबर्स की तरफ से वेलकम। वेलकम फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शविंदर पाल, डॉक्टर अशोक वाध्य, डॉक्टर पूनम जैन, जिन्होंने आज के इस शुभ अवसर पर हमारे होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हनीमन के 267वें बर्थडे के ऊपर दीपमाला की। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। डॉक्टर अशोक अवाध्या के सौजन्य से हम सब इकट्ठे हो पा रहे हैं, और जैसे डॉक्टर शविंदर पाल ने बखूबी बताया, कहा कि एक एक दीपक जलता है तो रोशनाई होती है, दीपावली बन जाती है। सो आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है, और हम यहाँ कनाडा में हर साल हमारी कैनेडियन सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ्स, जिसका कि मैं मेंबर हूं, और वेस्ट कोस्ट होम्योपैथिक सोसाइटी कनाडा, जिसका कि मैं डायरेक्टर हूं, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम हर साल इस महीने को होम्योपैथिक अवेयरनेस मंथ के नाम से मनाते हैं, जहां हम 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जितने भी होम्योपैथ हैं वो सारे अपने अपने हिसाब से इस दिन को, और 10 अप्रैल को खासकर, और 1 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक इस होम्योपैथी के इतने बड़े जन्मदाता जिन्होंने ह्यूमैनिटी का कल्याण किया, उनका जन्मदिन मनाते हुए लोगों को लिटरेचर बांटते हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, बूथ्स लगते हैं, मिनी क्लिनिक्स लगती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, कॉर्नर नुक्कड़ टॉक्स होती हैं, एंड पीपल रियली फील वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट। और जो पब्लिक है, पब्लिक ऑल्सो गेट्स टू नो ए लॉट अबाउट होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आज का जो हमारा विषय है, हमने लेंथेनाइट्स के ऊपर रखा है। लेंथेनाइट्स की स्टडी हम पहले भी गहराई में कर चुके हैं, कुछ एलिमेंट्स अखीरले रहते थे जिनका हमने अभी स्टडी जिनकी करनी बाकी है, और आप में से मेरे को ये आशा है कि बहुत से लोगों ने ऑलरेडी, बहुत से डॉक्टर्स ने पहले लेंथेनाइट्स के जो लेक्चर्स हैं वो ज़रूर अटेंड किए होंगे, और आपने काफ़ी इसमें ग्रहण किया होगा, काफ़ी नॉलेज ली होगी। जिन्होंने पहले अटेंड किया उनके लिए समझना आसान होगा, खासकर वो जिन्होंने साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी है उनके लिए तो और भी आसान हो जाता है, पर जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े उनके लिए भी समझना इजी हो, तो इस प्रकार से मैंने लेंथेनाइट्स की जो स्टडी है उसको आज फॉर्मुलेट किया है, ताकि आप सबको इसके बारे में सरल तरीके से बताया जा सके, सो दैट आप अपनी क्लिनिक्स में इन एलिमेंट्स को डे टू डे प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकें, और ह्यूमैनिटी का भला कर सकें, और डिजीज़ को आप क्योर कर सकें। मिनरल रेमेडीज जो हैं वो हमारे आर्मामेंटेरियन में, होम्योपैथिक लिटरेचर में, हमारी मटीरिया मेडिकल्स में, और हमारे रेपर्टरीज में सिंस टाइम इमेमोरियल, सिंस द टाइम ऑफ डॉक्टर हनीमन, बाखूबी प्रूव हुई पड़ी हैं, और उन प्रूव्ड रेमेडीज के रिजल्ट्स हम सब वर्ल्ड ओवर ले रहे हैं, अपने पेशेंट्स को इनमें अप्लाई कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर अशोक अवध्या ने बतलाया कि कई लोगों के लिए
पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को सुनकर पसीने छूटते हैं, उनके लिए हवा बन जाता है। ऐसी बात को हमने, ऐसे डर को हमने आप में से दूर करना है। असल में जितनी ये आसान पद्धति है, सिर्फ आपको जागरूक होना है और इसको समझते हुए अप्लाई करना है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि दीज रेमेडीज आर एग्जिस्टिंग इन आवर आर्मामेंटेरियम सिंस टाइम इमेमोरियल, जैसे मैग्नीशियम फॉस है। अब ये दो एलिमेंट्स का कंपाउंड है, मैग्नीशियम और फॉस्फोरिक। इसी प्रकार से फेरम फॉस है, फेरम आयरन और फॉस्फोरिकम, उसका ये दोनों का कंपाउंड है और हम इसको कितने सालों से यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स के हैं वो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं। और डॉक्टर जैन शॉल्टन, नेदरलैंड्स के जो फिजिशियन हैं, उन्होंने इन लेंथेनाइड रेमेडीज का इजाद किया। लेंथेनाइड्स तो पहले पड़े थे एज एन एलिमेंट्स, जैसे और एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं, पर उन्होंने साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो ट्रेट्स हैं उनको कैसे एलिमेंट्स के साथ जोड़ा और कैसे वर्ल्ड को उन्होंने अपनी डिस्कवरी के जरिए, जहां पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स का की दवाइयों को उन्होंने कम्युनिटी को दिया, होम्योपैथी कम्युनिटी को सौंपा, वहीं उन्होंने लेंथेनाइड्स जो हिडन एलिमेंट्स हैं उनका जो इस्तेमाल है वो ग्रुप एनालिसिस के जरिए होम्योपैथिक वर्ल्ड को दिया। ये जो रेमेडीज हैं ये 15 हैं टोटल नंबर में, और इनके जो इनकी प्रेजेंस और इनकी जो प्लेसमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में एक रो में है। और इसका जो मेन प्रोमिनेंस है, मेन जो इसका इस्तेमाल करने का हमें इजीनेस भी है, वो इसलिए है कि सिर्फ एक ही रो है जिसके थीम्स, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझ के पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने हैं। जो बाकी रोज और कॉलम्स पीरियोडिक टेबल के हैं वो आपको कंफ्यूजिंग लगते होंगे, इसलिए क्योंकि पहले आपने पेशेंट में रो को फिक्स करना है, रो को पहचानना है, जो आपके लिए टीडियस टास्क लगता है। फिर आपने कॉलम को पहचानना है, वो उससे भी आपको डिफिकल्ट टास्क कई दफ़ा लगता है। पर लेंथेनाइड्स में तो सिर्फ बखूबी ये है कि एक ही रो है, जहां किसी पेशेंट के केस में लेंथेनाइड्स के करेक्टरिस्टिक्स आपको मिल जाए सो आपको बाकी रोज के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सीधा आप लेंथेनाइड्स की जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। अब कौन सा लेंथेनाइड किस पेशेंट में आएगा उसको सरल हम आपको बताते हैं करके, सो दैट यू आर एबल टू अप्लाई दिस इन योर क्लिनिक्स इन योर डे टू डे प्रैक्टिस। जैसे होम्योपैथिक रेमेडीज सिंगल रेमेडीज भी हैं, दैट मीन्स एलिमेंट की सिर्फ, उसके साथ कोई और कंपाउंड नहीं बनता। मोस्टली हमारी जो रेमेडीज पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स की कह लो या लेंथेनाइड्स की कह लो, वो कंपाउंड रेमेडीज होती हैं जिसके साथ दूसरा अनायन भी आके जुड़ता है। लेंथेनाइड्स के साथ जो दूसरा एलिमेंट जुड़ता है, सबसे पहले मैं सरल तरीके से आपको उसके बारे में बतलाऊंगा, सो दैट आपको इजी हो जाएगा कि जो लेंथेनाइड एलिमेंट मैंने अपने पेशेंट के लिए सिलेक्ट किया है उसकी जो मॉर्बिडिटी है वो किसके साथ जुड़ रही है, कौन से पहलू के साथ जुड़ रही है उसके लाइफ में, कौन से एस्पेक्ट के साथ उसकी जुड़ रही है। और आपको वो जो एक लेंथेनाइड मेडिसिन का कंपाउंड है उसको चुनने में बहुत आसानी हो जाएगी। जो आज के दौर की तकलीफें हैं वो मेंटल इमोशनल और डिस्टर्ब्ड साइकोलॉजिकल स्टेट के ऊपर
उभर रही है और हर एक मॉर्बिडिटी का कहीं ना कहीं रूट होता है, कहीं ना कहीं उसका रस्सा बंधा होता है। और हमने यही पहचानना है होम्योपैथी की प्रैक्टिस में, व्हाई व्हेन वेयर हाउ, जैसे चार पिलर्स हैं जिसपे होम्योपैथी खड़ी है, कि वो कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है उस पेशेंट की लाइफ में जिसने उसके मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन को अफेक्ट किया है। हम आमतौर पे देखते हैं कि जब भी फैमिली फ्रंट लगा लो, आईपीआर के साथ रिलेशनशिप लगा लो, वर्क प्लेस पे लगा लो, नेबर्स के साथ लगा लो, रिश्तों के साथ लगा लो, कहीं ना कहीं से हमें हमारी जो सेंसिटिविटी है, जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है, जिससे कि हमारे मेंटल इमोशनल डिस्पोजिशन में चेंज आ जाती है। और उस चेंज के चलते हुए हम अपनी जो सोच है उसको किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हुए एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जो हमारी सोच को उसकी तरफ खींचे ही चली जाती है। अगर तो वो डिस्टर्ब्ड इमोशनल मेंटल स्टेट आपकी समय पर रिड्रेस हो गई, उसको आपने एड्रेस कर दिया, उसका हल निकाल लिया, तो आप बैलेंस्ड महसूस करते हैं। पर अगर वो डिस्टर्ब्ड इमोशनल मेंटल स्टेट, अगर हमने उसको कोई उसका उपचार नहीं किया, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो फिर फिजिकल बॉडी में किसी न किसी लक्षण के जरिए वो एग्जिबिट होती है और फिर पेशेंट जो है वो अपनी बीमारी को लेके डॉक्टर के पास जाता है। होम्योपैथी का सबसे बड़ा जो डॉक्टर हनीमैन ने हमें ये टूल दिया है, उन्होंने डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट को सबसे ऊपर का स्थान दिया है। दूसरी पैथीज में, दूसरी पद्धतियों में क्या होता है, जो फिजिकल ऑर्गन है उसकी तरफ ही पूरा ध्यान जाता है फिजिशियन का, और वो उस अंग को या उस लिंब को बीमार समझते हुए उसका उपचार शुरू करते हैं। जबकि होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार उस लिंब या उस एक पर्टिकुलर ऑर्गन का कोई कसूर नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी है जो काम कर रही होती है। वो कहानी उस इंसान की ज़िंदगी में, उसके चल रहे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका इर्द गिर्द है, जैसे मैंने पहले बताया, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आईपीआर के साथ हैं या वो बाहर काम पे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या नेबर्स के साथ है, किसी के साथ भी उसकी प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है। और जो एलिमेंट्स जुड़ते हैं उसके साथ, सबसे पहले उनका मैं आपको नाम बतलाऊंगा। वो एलिमेंट्स हमारे जो हैं, ऑक्सीजनम, नाइट्रोजेनियम, फ्लोरेटम, कार्बोनिकम, फॉस्फोरिकम, सल्फ्यूरेटम, म्यूरियाटिकम, आर्सेनिकम, ब्रोमेटम, आयोडेटम एट्सेट्रा। अब ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, अनॉयंस को कहते हैं, जो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बीच में है, ये किस प्रकार से कहाँ जुड़ेंगे, किस लैंथेनाइड के साथ, ये अब हमने देखना है। इससे पहले कि लैंथेनाइड में आपका पेशेंट फिट हो रहा हो, सो आपको उसके लैंथेनाइड्स के थीम्स, करेक्टरिस्टिक्स पहचानने होंगे। लैंथेनाइड्स का जो कीवर्ड है वो है सेल्फ, अटोनमी है। अटोनमी हम कहते हैं फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को। लैंथेनाइड्स का जो पेशेंट है, आप जब भी वो आपको केस हिस्ट्री अपनी देगा, आपको उसकी केस हिस्ट्री में से झलक मिलेगी कि ये एक ऐसा इंसान है जो हमारे सामने बैठा है और अपनी तकलीफ को लेकर या उपचार के लिए
वो किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता, वो किसी की अथॉरिटी को जो है नहीं सहन करना चाहता, और एट द सेम टाइम वो एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद भी किसी के ऊपर अथॉरिटी नहीं जमाना चाहता, और वो एक स्पेस चाहता है, एक रूम चाहता है अपना, उसके पास एक सेल्फ कंट्रोल है, और वो स्पिरिचुअलिटी के साथ भी जुड़ा है, उसकी एक अपनी विजडम है, उसका माइंड ट्रुथ की तरफ चलता है। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, ये आपने केस टेकिंग के दौरान आपको मिल जाएंगे। सिर्फ ज़रूरत यह है कि आप कितने जागरूक हैं, कितने अलर्ट हैं आप केस टेकिंग में। जैसे सरल मैं आपको बतलाऊं, कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है जी मैंने फलां पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, मेरी सिलेक्शन हो गई है, पर जब मैंने इंटरव्यू के देने में गया था, मैंने बात की तो मैंने कहा जी मैं अपनी शर्तों पे काम करूंगा और मैं ऑनेस्टी से काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे को कोई किसी तरह की डिस्टरबेंस या कोई इंटरप्शन ना हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अपने काम में दे सकता हूँ। तो इतनी बात से आपको क्या पता लगा कि वो लोग, वो इंसान जो है फ्रीडम पसंद करता है, वो अपने हिसाब से ऑनेस्टी से काम करने के लिए तैयार है, और उसको किसी की जो डिक्टेटरशिप है या आपको बॉस गिरी है वो पसंद नहीं है। और अपने नीचे वालों से भी वो कहता है मैं प्यार से काम लूँगा, उनको मैं दबाव में लाकर कभी काम नहीं लूँगा। केस टेकिंग में हमें बहुत कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स, ऐसे फीचर्स पेशेंट्स में मिलते हैं जो हम कई दफ़ा इग्नोर कर देते हैं। और लेंथेनाइट्स के साथ कुछ बीमारियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी जो लेंथेनाइट्स का यूज़ है वो ऑटो इम्यून सिकनेसेस में होता है। आज की तारीख में ऑटो इम्यून सिकनेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है। ऑटोइम्यून सिकनेसेस को ठीक करने के लिए हमें इम्यून को सप्रेस नहीं करना, जैसे कि दूसरे पद्धतिज में होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट्स के द्वारा उपचार किया जाता है, पर यहाँ इम्यून सिस्टम को बाकायदा एक सपोर्ट देके, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके होम्योपैथी की दवाई के ज़रिए उसको इतना सक्षम किया जाता है कि वो बीमारी के साथ लड़ने की उसमें ताकत आए, और जहां वो अपनी ही इकोनॉमी को अटैक कर रहा है वहां से वो वापस आए और अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए वो काम करें। ऑटो इम्यून डिजीजेस सिर्फ आज ही नहीं शुरू हुई हैं, पहले से भी चलती थी, पर कुछ सप्रेसिव सिस्टम, सप्रेसिव ड्रग्स, सप्रेसिव ट्रीटमेंट्स की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही बॉडी टिश्यूज, हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देता है, जिससे कि हमें फिर हम अपना सेल्फ कंट्रोल, जैसे कई लोग गवा देते हैं, उसको लूज कर जाते हैं, इसी तरह से जो इम्यून सिस्टम है वो अपना कंट्रोल ही लूज कर देता है, वो हे वायर हो जाता है और हमारे टिश्यूज को उल्टा नुकसान करना शुरू कर देता है। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनाइट्स में ये तो हमने देखा कि वो किस तरह का इंसान है। एट द सेम टाइम लेंथेनाइट्स के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्रिएटिव बहुत होते हैं, वो ह्यूमनिस्टिक बहुत होते हैं, दूसरों की भलाई भी करते हैं, वो प्रिकॉशियस बहुत होते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा इंटेलिजेंट बात करने वाले होते हैं, वो ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं। एट द सेम टाइम वो लोनर और रिजर्व भी होते हैं,
एंड दे आर सक्सेसफुल, दे हैव बिग आईज। आप देखोगे कई लोगों की आईज प्रोट्रूडिंग होती हैं, बाहर को बल्जिंग होती हैं। थायराइडाइटिस में, थायराइड के प्रॉब्लम में भी ऐसा होता है, बट मोस्टली आप देखोगे कि आईज बल्जिंग होना कई पेशेंट्स में आपको दिखता है, जहां आईज का उभरना, आईज का बल्ज होना ब्यूटी के साथ और हैंडसमनेस के साथ भी जुड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम ऐसी जो फिजियोनॉमी है वो हमें किसी बीमारी की तरफ जहां संकेत देती है, वहीं पर हमें वो लेंथेनाइड्स इंडिविजुअल की भी पहचान कराती है। सो जहां भी आपको कहीं ये चीज़ें मिलें, सो वो आपके लिए एक लेंथेनाइड्स एलिमेंट हो कि उभर के सामने आता है। जो इनके साथ मैंने आपको बताया कि जुड़ते हैं एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन है, सबसे पहले जुड़ता है। ऑक्सीजन की भी अपनी ट्रेट्स हैं, अपने उसके भी एक इंडिविजुअल थीम्स हैं जो आपको केस टेकिंग में, पेशेंट में मिलेंगे। ऑक्सीजन का क्या होता है, उसमें ईगो होती है, वो अब्यूज्ड महसूस करता है, उसको सब कुछ अनफेयर लगता है, अनजस्ट लगता है। बचपन में उसको नेगलेक्ट का सामना हुआ होता है, जो आपके पेशेंट के केस टेकिंग में, कई केस में आपको पता लगेगा, ये नॉलेज होगी कि बचपन में उसको वो केयर या वो अटेंशन नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। वो नेगलेक्टेड चाइल्ड महसूस करता है, उसको लो महसूस होता है और वो विक्टिम महसूस करता है, और उसको लगता है अगर वो बड़ा है, अपनी ज़िंदगी में उसने काम काज किए हैं, उसको लगता है कि मेरे ऊपर तो डेट बहुत चढ़ गया है। सो ये ऐसी चीज़ें जो आपको ऑक्सीजन में मिलेंगी, और फ्लोरेटम जो ये भी हमारा एक एलिमेंट है ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल और कार्बन सीरीज में आता है, उसमें एक रिजेक्टेड चाइल्ड की भावना होती है, एज इफ पेरेंट्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और बड़े लोगों में आपको, व्यस्क लोगों में आपको ग्लैमर की एक करेक्टरिस्टिक मिलेगा, जो शाइनी ग्लैमर ब्रांडेड क्लोजपन डालना चाहते हैं, और वो गैम्बलिंग भी करते हैं, पैसा इकट्ठा करना उनका काम होता है, इजी मनी आ जाए, और वो अमोरल भी होते हैं, सोसाइटी के नियमों की कोई पालना नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा एलिमेंट है ब्रोमेटम, वो उसमें सेक्सुअल गिल्ट होता है, वो एडल्ट्री में और साइकोसिस में उसको आपको बहुत ट्रेट्स मिलेंगी। और इसके बाद हमारा कार्बन है, कार्बन में वैल्यूज है, मीनिंग है, गॉडली बातें हैं, फादर का रोल है, और सेल्फ वर्थ का इसमें बहुत बड़ा एक इशू होता है, जहां हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी इज्जत, और हम क्या करने के काबिल हैं, अगर हमें कोई नीचा दिखाता है, हमारी सेल्फ वर्थ को चैलेंज मिलता है, वो हमें कार्बोनिक एलिमेंट वहां काम आएगा और हमें इसकी सिलेक्शन का इजी हो जाएगा। ऐसे ही फॉस्फोरिकम है, फॉस्फोरिकम शेयर, कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन, सिंपथी के साथ जुड़ा हुआ है, लर्न करने में वो बहुत अग्रसर होते हैं, और रिश्तों में ब्रदर, सिस्टर, कजन्स, फ्रेंड्स, अगर इनमें किसी के साथ प्रॉब्लम चल रही है, उसके साथ फॉस्फोरिकम जुड़ता है। फॉस्फोरिकम को ट्रैवल बहुत पसंद है, फॉस्फोरिकम होमसिक बहुत महसूस करता है। और इसके बाद हमारे पास है सल्फर, सल्फर वेल नोन एलिमेंट है, और इसके जो थीम्स हैं वो लव और हेट के साथ जुड़े हुए हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, उनका प्यार, और उनकी जो कह लो अगर कई केसेस में वो प्यार नहीं रहता, उसमें हेट भी तब्दील हो जाती है, वहाँ भी आते हैं, जेलसी होती है, हारमोनी भी पसंद करता है, नेगलेक्टेड भी महसूस करता है, और ब्यूटी उसको बड़ी पसंद है, जहाँ उसके ब्यूटी पसंद है वहीं वो गंदा भी उतना रहता है। हमारे पास रैग्स आर ब्यूटीफुल, रैग सीम एज सिल्क, वो फिलोसोफाइज बहुत करता है, थ्योराइज बहुत करता है। सो ये स्टेजेस हैं जो हर एक एलिमेंट की
जो है हर एक पेशेंट में आपको किसी न किसी स्टेज पर मिलेगी। उसको डर्ट से, गंदे क्लोथ से, चीज़ों को इकट्ठा करने में, चीज़ों को ना फेंकना, आप भी खुद भी गंदा रहना, ऐसे उसमें कई ट्रेड्स आपको मिलते हैं और आप सल्फर को ईजिली पहचान जाते हैं। उसके बाद है आयोडेटम। आयोडेटम हमारा जो एलिमेंट है ये भूख के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, एपीटाइट के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारी कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी याददाश्त के साथ जुड़ा हुआ है, ह्यूमर के साथ जुड़ा हुआ है। और आयोडेटम क्योंकि एक ट्यूबरकुलर रेमेडी है और ट्यूबरकुलर जो मायाजम है उसका जो ट्रेड है वो है घूमना फिरना, जाना आना, इधर उधर जाना और टिक के ना बैठना। सो जो लोग इमिग्रेट होते हैं, जो लोग कॉस्मोपोलिटन होते हैं, घूमना फिरना इधर उधर जाना पसंद करते हैं और अपना देश छोड़कर बाहर इमिग्रेट होना चाहते हैं, वो क्यों आना चाहते हैं? फूड के लिए, पैसा कमाने के लिए, शोहरत के लिए। सो इसलिए आयोडेटम जो है वो हमारे फूड के साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारी एग्जिस्टेंस के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद एलिमेंट आते हैं म्यूरियाटिकम। म्यूरियाटिकम एक ऐसा एलिमेंट है जो अटेंशन, नर्चरिंग, केयर, मदर, मदर फिगर के साथ जुड़ा हुआ है। पिटी, पिटीफुल फीलिंग होती है। हम कई दफ़ा क्या होता है कि किसी की बात हमें पसंद नहीं होती है, या कई दफ़ा हम वी डू नॉट लाइक टू बी पिटी, हमें कोई ये ना कहे कि बेचारा है। म्यूरियाटिकम का जो हमारा एलिमेंट है वो इन सब चीज़ों को बखूबी दिखलाता है और रिलेशंस में मदर के साथ जुड़ा हुआ है। मदर से हमें क्या मिलता है? केयर है, अटेंशन है, न्यूट्रिशन है, और जो देखभाल हमारी मदर करती है वो हमें कहीं से ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती। सो ये तो थे वो एलिमेंट्स जो जुड़ते हैं लैंथेनाइड्स के साथ। अब हम आपको लैंथेनाइड्स का फर्स्ट एलिमेंट उसके बारे में बताएंगे। ये 15 एलिमेंट्स हैं जिनके साथ ये दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको 9-10 बतलाए हैं, ये जुड़ के कंपाउंड रेमेडीज बनती हैं और कितनी ही मेडिसिंस फिर तैयार हो जाती हैं इन कंपाउंड रेमेडीज को जब हम किसी भी अपने पेशेंट में देखते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट लैंथेनाइड्स का है वो है लैंथनम। लैंथनम जो एलिमेंट है उसकी जहाँ अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं वहीं पर जिस कॉलम में वो पड़ा है, हर एक कॉलम की जैसे अपनी अपनी भिन्नताएं हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं, इसी तरह से जो 3 नंबर कॉलम पीरियोडिक टेबल का है उसमें वो फिट हुआ हुआ है। और 3 नंबर कॉलम की जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको बतलाऊंगा। वो विशेषताएं को हमने लैंथेनम एलिमेंट के साथ जब जोड़ के देखना है, फिर हमारे पेशेंट के जो हमारे पास लैंथेनम में फिक्स होता है उसके उपचार के लिए हमें ये सहायक होगा। सो पहले जो नंबर 3 कॉलम है उसकी विशेषताएं आप लिख लो प्लीज। नंबर 3 में जो एलिमेंट हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो सर्च करते हैं, पहले स्कैन करते हैं, किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने से पहले, चाहे वो बिजनेस है, कोई भी काम है, कोई नौकरी है, किसी के साथ कोई बातचीत करनी है, वो पहले स्कैन करेंगे, सर्च करेंगे कि या क्या ये सही है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, या यहाँ से किसी प्रकार का मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। वो स्कैन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, कंपेयर करते हैं कि उससे मैंने बात की थी और इस इंसान से बात कर रहा हूँ, दोनों में से कौन सा मेरे लिए ठीक होगा, कौन सी जॉब मेरे लिए अच्छी होगी, किस परिस्थिति में मैं ईजी महसूस करूँगा। कंपैरिजन उनमें बहुत होता है और फिर वो चेंजेबल और अनस्टेबल भी होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, वो एकदम से कहीं भी जाकर ये नहीं कह सकते यस कि ये मेरी चोजन स्टेट है, ये मेरा चोजन चीज़ है, ये मैंने फैसला कर लिया है, ये मैंने अंतिम अपनी सिलेक्शन है वो कर ली है और इसके साथ मैं चलूँगा।
और उनको डाउट होता है, डाउट व्हाट क्वेश्चन ही उनके मन में रहता है, डाउट ही रहता है हमेशा कि अब क्या करूं। अनऑफिशियल है, अनकमिटेड है, अभी वो ये नहीं कह सकते क्योंकि कंफ्यूजन बहुत चल रहा है उनमें कि मैंने ये चीज फाइनल कर ली है, मैंने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया है या अब ये मेरे अनुकूल है, वो इसका फैसला नहीं कर पाते, इसलिए वो अनकमिटेड रहते हैं, अनऑफिशियल। ऑफिशियल क्या होता है, जहां आपने, आपको लोगों को पता है कि उस डायरेक्शन में या उस दिशा में ये चलता है, जाता है, करता है और ये सक्सेस है उसमें। ये अनऑफिशियल है, इन्होंने अभी डिक्लेयर ही नहीं किया कि मैं किस दिशा में जाना है, क्या मैंने करना है, किससे मैंने मिलना है, कहाँ मैंने जॉब करनी है, क्या मैंने खाना है, कहाँ से लेके खाना है। सो ये अनऑफिशियल और अनकमिटेड होते हैं, इररेजोल्यूट होते हैं, फैसला नहीं कर सकते और हेजिटेट बहुत करते हैं। कई पेशेंट्स आपने देखा होगा वो इधर उधर देखते रहेंगे, आपके सवाल का जवाब देने में उनको हिचकिचाहट बहुत होती है। सो जहाँ हिचकिचाहट है, जहाँ फैसला करने में दिक्कत आ रही है, जहाँ उनको सिलेक्शन करने में दिक्कत आ रही है, जहाँ वो अपने बारे में सीधे तौर पे कुछ बतला ही नहीं सकते, किसी चीज़ की सिलेक्शन ही नहीं कर सकते, अभी वो स्कैन कर रहे हैं, अभी वो इर्द गिर्द इधर उधर देख रहे हैं, सो दैट मीन्स आपका पेशेंट अनस्टेबल स्टेट में है, वो अनऑफिशियल स्टेट में है, उसको अभी कोई ठहराव नहीं मिला, कोई दिशा नहीं मिली। सो ये जो तीन नंबर कॉलम है उसकी ये विशेषता है, जहाँ कहीं आपको अपने पेशेंट में ये दिखेंगी, सो ये तीन नंबर कॉलम मिलेगा। और लेंथनाइज में तीन कॉलम में जो पहला एलिमेंट है वो है लेंथन, जहाँ ये विशेषताएं तीन कॉलम नंबर तीन की हैं, वहीं लेंथनम जो पहला एलिमेंट है उसकी भी अपनी विशेषताएं हैं। वो क्या है कि उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ होता है, वो आपको ऐसी सिचुएशन बतलाएगा कि मेरे को, चाहे फैमिली फ्रंट पे वो कहे कि मेरे पिताजी बहुत रिजिड और बहुत ही एक डिक्टेटोरियल काइंड ऑफ पर्सन थे, या मेरी माताजी इतने डिक्टेटर हिसाब से उन्होंने हमें सुप्रेस करके रखा, हमारी किसी इच्छा को पूरा नहीं किया, हमें गालियां ही पड़ती थी, ना सिर्फ पेरेंट्स से पड़ती थी, एक्सटेंडेड फैमिली के किसी भी बड़े लोगों से पड़ती थी, या स्कूल में गए तो वहाँ हमारे जो टीचर्स थे वो बड़े रिजिड और बहुत ही ज़्यादा उनका रफ ट्रीटमेंट होती थी, हमें जो है बीटिंग्स भी होती थी। और कईयों के आपने ये भी सुना होगा कि उनको उनके पीयर्स यानी उनके स्कूल में फ्रेंड्स ही उनको तंग करते हैं, बुली करते हैं, बड़ी जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी यहाँ तक रैगिंग होती है, आपने कितना अखबारों में और सोशल मीडिया में अभी भी चलता है कि रैगिंग की वजह से फलां बच्चे ने अपना ये नुकसान कर लिया, या वो अपना बीच में ही प्रोफेशनल कोर्स छोड़ के उसको आना पड़ा क्योंकि वो वहाँ फिट नहीं हो सका। सो जो लेंथनम एलिमेंट है ये इतना इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में कि जो भी लोग सप्रेस महसूस करते हैं, जो भी लोग ह्यूमिलिएटेड महसूस करते हैं, जो भी लोग जिनको लगता है कि मेरी यहाँ पेश नहीं चलती, मेरे को दबा के रखा जाता है, मेरे से दबा के काम किया जाता है, क्योंकि लेंथेनाइट्स का मेन जो एस्पेक्ट है वो है फ्रीडम, वो चाहता है खुला स्पेस, वो चाहता है अपना सेल्फ कंट्रोल, वो चाहता है अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन, पर उसके उल्ट उसको क्या मिल रहा है, उसके ऊपर तशद्दद होता है, उसके ऊपर जो है बॉस गिरी ज़्यादा होती है, उसके ऊपर इतना अत्याचार होता है कि वो उल्टा के अपने उस अत्याचारी को कह ही नहीं सकता कुछ, और इतना दबाव में रहता है, पर अंदर से वो फ्रीडम चाहता है, अंदर से वो सुप्रेस हो रहा है, और वो इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और ऑटोनॉमी जहाँ कॉम्प्रोमाइज हो रही हो, जहाँ ना मिल पा रही हो, वो आपको लेंथनम जो एलिमेंट है वो उसकी पहचान होगी। और क्या होता है कई दफ़ा फैमिली फ्रंट पे अगर हम चलें, आईपीआर को ही अगर हम शुरुआत लेके चलें, जहाँ पे कहीं भी फादर का जो रोल है ऐसा है कि वो बच्चे को उसकी कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए वो उसकी हेल्प ही नहीं करता, उसको दबाव में रखता है, मना कर देता है हर एक चीज़, चाइल्ड अब्यूज़ इतनी होती है कि बच्चा घुट के ही रह जाता है, उसकी ना सिर्फ
ऑटोनॉमी डिस्टर्ब होती है, ना ही उसको फ्रीडम मिलती है, साथ के साथ उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो भी क्वेश्चन में आ जाता है, उसको लो सेल्फ एस्टीम चलते हुए लो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। सो लैंथेनम एलिमेंट के साथ अगर उसको आईपीआर के साथ प्रॉब्लम आ रही है, फादर अगर सप्रेसिव है, फादर अगर डिक्टेटोरियल है, सो आपको लैंथेनम कार्बोनिकम मेडिसिन जो है बाखूबी मिल जाएगी। आपको यहाँ किसी रेपरेटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मटेरियल मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप ग्रुप एनालिसिस से ही पेशेंट की स्टोरी को ध्यान से सुन के आप सीधी लैंथेनाइड की मेडिसिन का सिलेक्शन करते हुए पेशेंट को हेल्प कर पाओगे। ये सबसे बड़ी बाखूबी है ग्रुप एनालिसिस की। आगे चलते हुए लैंथेनम को ही ले रहे हैं हम, अगर उसकी प्रॉब्लम फादर के साथ है या फादर फिगर के साथ है या टीचर ने उसको किया है सुप्रेस, सो कार्बोनिकम एलिमेंट हमारे पास बाखूबी से लगेगा, लैंथेनम कार्बोनिकम इस तरह बैठे। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही इसमें आएंगे, वो बड़ा होके भी आपको ये बता सकता है, जब आप उसको पूछोगे कि आपका बचपन कैसे गुजरा, आपके क्या तजुर्बे रहे, क्या एक्सपीरियंसिस रहे एज यू आर बीइंग रेज्ड इन द फैमिली, छोटे से आप बड़े हो रहे थे, सो ये क्वेश्चनिंग से आपको केस टेकिंग में भी पता लगेगा। कई लोग तो खुद अपने आप से ही बतलाना शुरू कर देते हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी, मेरे को क्या क्या किस किस पड़ाव पे लाइफ के कहाँ क्या दिक्कतें आईं मेंटल इमोशनल प्लेन पे, और कई लोगों का आपको क्वेश्चनिंग से ये पता चलेगा। सो जहाँ प्रॉब्लम फादर या फादर फिगर या बड़ों के साथ है वो कार्बोनिकम एलिमेंट लगेगा, और जहाँ फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको ह्यूमिलिएशन हुई है फ्रेंड्स की तरफ से जो उसके अपने दोस्त हैं, सो वहाँ पर फॉस्फोरिकम लगेगा। जहाँ भाई बहन कज़न से प्रॉब्लम हुई है, कई दफ़ा आपने देखा होगा कि एक्सटेंडेड फैमिली में बच्चे खेलते हैं जब इकट्ठे होकर, तो एक कोई ऐसा बच्चा है जिसको दूसरे पसंद नहीं करते और वो बच्चा अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस करता है, वो कहता है कि आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ द ग्रुप, उसको इंडिग्नेशन भी होती है, उसको बेइज्जती का भी एहसास होता है, उसको ह्यूमिलिएशन भी होती है, पर उसका बस नहीं चलता, वो उस फ्रीडम के लिए तरसता है कि मैं भी फ्री होकर इनके साथ मिलूं, पर उसको क्या होता है, तिरस्कार मिलता है। किसके हाथ से मिल रहा है, अगर वो भाई बहन कज़न फ्रेंड्स की तरफ से है तो फॉस्फोरिकम एलिमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कौन से एलिमेंट्स कैसे जुड़ते हैं, यहाँ पे फिर फॉस्फोरिकम एलिमेंट जुड़ के वो लैंथेनम फॉस्फोरिकम का केस बन जाएगा। और जहाँ पे पेशेंट आपको कहता है कि मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को कोई कदर नहीं मिली है, मेरे को हमेशा ही तिरस्कार ही तिरस्कार सबसे मिला है, और इस सब की वजह से मैं उठ ही नहीं पाया, वहाँ आपका ऑक्सीजनेटम जो एलिमेंट है वो जुड़ेगा। वो मेडिसिन क्या हो जाएगी, अगर वो आपका कॉलम तीन का लैंथेनम लैंथेनाइड्स का एलिमेंट आपके पेशेंट में आपने देख लिया, सो उसके साथ ऐसे केस में जहाँ के उसको वैल्यू नहीं मिली, उसका तिरस्कार हुआ है और उसको हर प्रकार से जो है वो अब्यूज़ ही किया गया है, सो वो ऑक्सीजनेटम एलिमेंट चढ़ेगा, वहाँ पे आपका लैंथेनम ऑक्सीजनेटम भी बोलते हैं इसको, वो मेडिसिन आपके बाखूबी साथ में आ जाएगी। और अगर आपका पेशेंट को भूख की समस्या है, उसको जो उसका सेंट्रल पॉइंट है वो है कि आजकल तो खाने पीने के ही लाले पड़े हुए हैं, मैं इतना कमा ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपने खुद का पोषण कर सकूँ और अपनी परिवार का भी पोषण कर सकूँ, मेरे पास इतने मींस नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी, अच्छा घर, अच्छे जो सहूलतें हैं वो जुटा पाऊँ, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आयोडेटम की तरफ हमें इशारा करती हैं। और कई लोग आपने देखा होगा कि यहाँ तो इस शहर में मेरे को काम नहीं मिल रहा, मैं सोच रहा हूँ मैं दूसरे शहर में जाके काम कर लूँ, कई लोग कहते हैं इस कंट्री में मेरे को नहीं इतना मिल रहा, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी जीविका के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली को अच्छा प्रोवाइड करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं फलां देश में चला जाऊँ। वो आजकल कितने लोग आपने देखा कि जुगाड़ लगा रहे हैं, कोई किसी तरीके से कोई
फेयर अनफेयर मीन से कोशिश कर रहे हैं लोग के बाहर जाएं, बाहर जाएं, बाहर जाएं। और कितने ही लोग इसके ऊपर एजेंट्स हैं और कितने इमिग्रेशन सिस्टम का कितना बड़ा एक जाल है फैला हुआ, कितना नेटवर्क है, और लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग दौड़ चल रही है। और किसके लिए चल रही है? जीविका के लिए, अच्छे जीवन के लिए। चार पैसे हों, अपनी जीवन भी अच्छा हो, अपने बच्चों को भी हम अच्छा बना सकें, ये जो भाग दौड़ है, तभी आयोडेटम एक जगह नहीं टिक सकता। हमारी रिपर्टी, हमारे प्रूविंग सिम्टम्स कहते हैं, ये भी ट्यूबरकुलर रेमेडी है, कैन नॉट सिट इन वन प्लेस। सो फिजिटी, घूमना फिरना, इधर उधर जाना, तलाश में जाना फूड की। सो ये आयोडेटम अगर ऐसा आपको मिले, और आजकल मिलते हैं बहुत ये केसेस, और आयोडेटम फिर आप हमारी बीमारियों के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, हमारा थायराइड की प्रॉब्लम हाइपर है या हाइपो है, सो थायराइड इज एन ऑटो इम्यून सिकनेस, उसमें आयोडेटम बखूबी आता है। और जहाँ आपको ये लेंथनम का केस मिले और साथ में ये जुड़े कि वो रोजी रोटी के उसको लाले पड़े हुए हैं और उसको उसको थायराइड भी है, फिर तो पक्का ही हो गया कि ये लेंथेनाइट एलिमेंट में फिट हो रहा है। इसको जो तीन कॉलम है उसके सारे क्रेस्टर C6 में जुड़ रहे हैं, वो कंफ्यूज भी है, वो अनकमिटेड भी है, वो स्कैन कर रहा है, उसको फैसला लेने में दिक्कत हो रही है, वो हिचकिचा भी रहा है, उसके पास ना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है, वो कंफ्यूज है, वो भी ट्रेट अगर है, अगर उसको खाने पीने की रोजी रोटी के मसले पड़े हुए हैं और उसके साथ थायराइड भी है, सो आपके पास लेंथनम आयोडेटम एकदम से रेमेडी आएगी। ना आपको रेपरेटरी की तलाश करनी पड़ी, ना आपको केस एनालाइज करने की पड़ी, ना आपको मटेरियल मेडिकल पढ़ने की पड़ी। सिर्फ आपने किस चीज़ की आपको नॉलेज थी, आपको इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनाइट्स की आपको नॉलेज थी, उस कॉलम के करेक्टरिस्टिक्स का पता था, और पेशेंट की हिस्ट्री में से आपको उसकी जो प्रॉब्लम का कहाँ पे वो स्टक स्टेट है वहाँ आपको मिल गई, तो आपकी रेमडी सीधी आ गई। सिमिलरली पहले एलिमेंट के साथ हमने जैसे आप फॉस्फोरिकम जुड़ गया, ऑक्सीजन एटम जुड़ गया, आयोडेटम जुड़ गया, अब इसके साथ अगर नाइट्रिकम कहाँ जुड़ेगा? नाइट्रिकम जुड़ेगा जहाँ उसको लग रहा है कि मेरे को पुश आउट किया जा रहा है, जहाँ उसको लग रहा है कि जिंदगी नीरस हो गई है, इसमें कोई एंजॉयमेंट नहीं रही है, क्योंकि नाइट्रिकम जो एलिमेंट है वो एंजॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, वो अच्छी जीवन जीने की जो एक आशा है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और नाइट्रिकम्स का आपको पता है कोई फैटी फूड बहुत पसंद करते हैं, और एट द सेम टाइम उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत आती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज होता है, साइनसिस की ट्रबल्स आती हैं। सो जहाँ फिजिकल लेवल पर भी आपको ये नज़र आए, और दूसरा उसको जो ये एन्जॉयमेंट लाइफ में नहीं मिल रहा है, जिनकी नीरस सी लगती है, वो आपका नाइट्रिकम एलिमेंट आएगा, और लेंथनम नाइट्रिकम आपकी रेमेडी होगी। सिमिलरली अगर एरिया ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट इज विद द IPR, स्पेशली विद एनी पर्सन हु विद हुम यू हैव इशूज ऑफ डीप लव, कैन बी ए गर्लफ्रेंड, कैन बी ए बॉयफ्रेंड, where you have hate and love issues which you see at a very depth, dunghai mein, gehrai mein unko dusre ke prati pyar hai ya usse ulta hate hai, aur wo mele ko chale saath mein aap uski personality dekhte hain, uski presentation kaisi hai, aapko sulfur element ki ye sari hamari material medical se bhi pata hai, wo philosopher hai, wo ganda mela ko chala hota hai, usko jo hai cheezon collect karne ka hi usko मन में लगा रहता है, वो चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं है और जिनके लिए कोई एडमिरेशन नहीं है उनको भी एडमायर करता है। एक रूब्रिक है हमारे पास, एडमिरेशन फॉर दोज विच आर नॉट एडमायरेबल एट ऑल, उसमें अकेली सल्फर पड़ी है, एडमिरेशन फॉर दोज विच आर नॉट एडमायरेबल एट ऑल। सो जहाँ कहीं आपको ये ऐसी पर्सनैलिटी मिलेगी और लेंथेनम आपको पहला लेंथेनाइट्स का एलिमेंट उसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि वो ऑटोनमी है, फ्रीडम है, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, और वो सप्रेस्ड है, ह्यूमिलिएटेड है, सो वहाँ आपको फिर ऐसी अवस्था में लेंथेनम सल्फ्यूरिकम आपका एलिमेंट सामने आ जाएगा। और जहाँ आपको लगता है कि किसी पेशेंट को ये महसूस हो रहा है कि मैं तो गिल्टी हूँ, सेक्सुअल गिल्ट है, मैंने ये मेरे से हो गया, इमोरल काम हो गए हैं, और वो ऐसे काम हो गए विच आर अवे फ्रॉम द मॉरल इम्प्रेशंस,
वहाँ फिर आपका ब्रोमेटम एलिमेंट लग जाता है। सो आपका लैंथेनम ब्रोमेटम आपकी रेमेडी होगी ग्रुप एनालिसिस से। सो इसी तरह से देखते हुए हमने अपनी रेमेडीज को झट से निकालने की एक स्किल जनरेट करनी है, और वो स्किल आएगी अगर आप अपने केस को बड़े ध्यान से सुन रहे हो, उसके जो जिंदगी के स्टक स्टेट है उसको आपने पहचान लिया है, और वो कैसा इंसान है, वो इंडिपेंडेंस चाहता है, वो फ्रीडम चाहता है, वो ऑटोनॉमी चाहता है, वो किसी भी बॉस की भी पसंद नहीं करता, उसके पास सेल्फ कंट्रोल अपना है, वो सेल्फ डिटर्मिंड पर्सन है, वो अपने हिसाब से ट्रुथफुली चलता है, और वो देखने में ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा सुंदर भी है, उसकी सेक्सुअलिटी भी उभर के आपको नज़र आ रही है, कि उसकी बातों से आपको लग रहा है कि इज़ वेरी लेसीवियस, इज वेरी अमोरस। सो कोई ना कोई जो एस्पेक्ट है लेंथेनाइट्स का, कहीं ना कहीं आपको पेशेंट में, सारे तो नहीं दिखेंगे, इनमें से मेजॉरिटी है, 1, 2, 3, 4 कहीं दिखें, और साथ में ऑटो इम्यून सिकनेसेस भी अगर आपको जहाँ भी मिलती हैं, चाहे वो थायराइड है, वो आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, माइग्रेन्स हैं, देन सोरियासिस है, एक्जिमा है, कितनी और जो जो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आईबीएस की प्रॉब्लम्स हैं, क्रोहन्स है, सो जितनी भी ऑटो इम्यून सिकनेसेस हैं वहाँ आपको ये एलिमेंट्स जो हैं बाखूबी फिट होते हैं। आज हमने इस लेक्चर के ज़रिए आपको कोशिश मैंने की है कि मैं आपको सरल तरीके से ये सारा कुछ लेंथेनाइट एलिमेंट्स के बारे में समझा सकूं, और पहले एलिमेंट को हमने एक्सप्लेन किया है, उसके करेक्टरिस्टिक्स को कैसे आपने पहचानना है पेशेंट में, और उसकी स्टक स्टेट कहाँ पे पड़ी है, वो एलिमेंट कौन सा उसके साथ जुड़ना है। कोशिश की गई है मेरी तरफ से कि मैं आपको ईजी करके बता सकूँ, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में ये सब कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये क्या किसके साथ कैसे बीत रही है, पर हमने ये चीज़ें ज़्यादा उस समय ही हमें इस्तेमाल करने में हमें सफलता मिलेगी जब हम एज होम्योपैथिक फिजिशियन अपने पेशेंट में अगर इन चीज़ों को, इन ट्रेट्स को पहचानते हैं, देखते हैं, वहाँ आप लेंथेनाइट एलिमेंट्स को रेमेडीज़ के तौर पर अप्लाई कीजिए और रिजल्ट लीजिए। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है, यू आर वेलकम, यू कैन आस्क मी, जहाँ कहीं आपको लगा हो कि कहीं कोई चीज़ समझ नहीं है जितना हमने कहा है, सो आप उसके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार जी। हाँ जी रंजीत जी, आर्य साहब क्या हाल है, कैसे हैं आप? देखिए हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही लेंथेनाइट रेमेडीज़ के भी एक सिक्का है, उसके दो पहलू हैं। अंडरवर्ल्ड में जो लोग जाते हैं वो भी लेंथेनाइट्स का ही एक प्रोमिनेंट उभर के एक एस्पेक्ट है, एक फील्ड है।
वो क्यों अंडरवर्ल्ड में जा रहे हैं हमने ये देखना है, क्योंकि वो दूसरों को सप्रेस करना चाहते हैं। सो दोनों तरफ है, वो फ्रीडम को पसंद नहीं करते और उनके लिए वो फ्रीडम है, उनके लिए ही वो एक ऑटोनमी है, उनके लिए ही वो एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ से वो बैठ के सबको कंट्रोल कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल उनके पास है, छुप के वो कार्य कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड होके उनके पास सेल्फ कंट्रोल है, जहाँ वो कह रहे हैं कि हम राज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रो है ये हमारे साथ में सिक्स रो के साथ भी आ रही है, जो हमारी ऑरम सीरीज है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें पावर है, जिसमें दूसरे के ऊपर रोब डालने की जो है वो प्रवृत्ति है। और जो लेंथेनाइट्स हैं वो 5 और 6 दोनों रोज के बीच में सैंडविच्ड हैं। कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने ऊपरली अर्जेंटम सीरीज से ली हैं, कुछ उन्होंने नीचे ऑरम सीरीज से ली हैं। अब अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे फिर ये सरल नहीं रहेगा, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो सरल तरीके से लेंथेनाइट रेमेडीज को एज ए होम्योपैथिक रेमेडी कैसे अप्लाई करना है उसके लिए है। अदरवाइज गहराई में जो हमने करना है वो हम एडवांस्ड लेंथेनाइट्स का जो लेक्चर्स हैं वो रखेंगे, ताकि वो फिर इसकी जो इनर ट्रेड्स हैं वो आपको हम समझा सकें। हाउएवर जो डार्क साइड है, तभी तो वो शेडो है, डार्कनेस है, वो भी लेंथेनाइट्स का एक इशू है जो हमने पहले पढ़ा चुके हैं। डार्कनेस को भी देखना है, उसकी शेडो को भी देखना है, जो सोल की जो शेडो है, जहाँ उसको अंधेरे में पड़ी है वो सोल, उसके में जब रोशनी पड़ती है तब वो लेंथेनाइट में भी आके फिट होता है। सो इसलिए ये एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। यस, रूब्रिक के साथ भी बहुत जो रेमेडीज हैं वो आज के तरीक में, तो आप देखोगे सॉफ्टवेयर्स में लेंथेनाइट्स के प्रूव रेमेडीज बहुत आ गई हैं। आप अभी आप खोल के देखिए इंडिपेंडेंस रूब्रिक लीजिए आप, इसमें आपको मैं अभी बतलाता हूँ कि देखिए, हाँ इंडिपेंडेंस में 83 रेमेडीज हैं, उनमें मेरे को लगता है कि 50% लेंथेनाइट्स है, मोर देन 50 रादर 80% लेंथेनाइट्स है, ये प्रूव हो चुकी है ऑलरेडी। भरी पड़ी है। सो ये प्रूव भी हो चुकी हैं। जब 95 में डॉक्टर जैन शॉल्टन ने इनके ग्रुप एनालिसिस बनाए थे, तो देखो उनकी इंजेन्युटी, उनकी इंटेलिजेंस देखो कितनी है, कि जो उन्होंने ग्रुप एनालिसिस में उस समय रिजल्ट दिए और उन्होंने जो किताब में अपने लिखा, वो ही प्रूविंग के सिम्टम के तौर के ऊपर अब ये हमारी जो लेंथेनाइट रेमेडीज हैं उसके सॉल्ट्स के साथ ये हमारे आर्मामेंटेरियन में, हमारे रेपर्टरी में और हमारे मटेरियल मेडिक में आके उतर गई हैं, लैंड हो गई हैं, पड़ी हैं वहाँ पे। यस प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, केसेस का तो मैं आपको लेंथेनम फॉस्फोरिकम का केस छोटा सा बतलाता हूँ। तो क्या था कि एक बच्चा था, वो उसको स्कूल में उसके जो पीयर्स थे, साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे, वो उसको सहयोग ही नहीं देते थे उसको, राधा किसी ने उसका पल्लू खींच देना, किसी ने उसकी टांग जो है वो पिंच कर देना, किसी ने उसके बाल खींच देने। सो इस तरह से उस बच्चे को किसी का साथ नहीं मिला और वो बच्चा अपने आप को सप्रेस्ड महसूस करता था और ह्यूमिलिएटेड महसूस करता था। वो घर में भी आके नहीं बतला सकता था और टीचर को भी उसने कभी नहीं बतलाया। अब ये जो उसने अपनी अवस्था बतलाई बचपन की, मेरे पास तो वो 35 ईयर्स की एज का था जब एज ए पेशेंट आया, और उसने अपने बचपन के जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सो वहाँ से मैंने ये देखा कि उसको बचपन में उसकी स्टक स्टेट थी। तो अभी बगैर सवाल पूछे ही वो बचपन के सप्रेशन की बात जो कर रहा था, सो दैट मीन्स चाहे वो आज अब 35 साल की आयु का हो गया है, पर उसकी स्टक स्टेट स्टिल उसको वो बचपन में पड़ी थी, जहाँ के उसको ह्यूमिलिएट किया गया और सप्रेस किया गया। सो फॉस्फोरिकम एलिमेंट
आया और लेंथनम उसको, क्योंकि उसको फ्रीडम नहीं मिली, उसको बुली किया गया और उस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो जाके घर में बात कर सके। वो अनकमिटेड था, अनऑफिशियल था, जैसे मैंने ट्रेड्स आपको समझाई हैं। वो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाता था, बता नहीं पाता था। सो वो इतना दुखी और तंग और ह्यूमिलिएट हो चुका था कि वो आज भी उसका कैरी कर रहा है बर्डन, इवन एट द एज ऑफ 35। सो उसको लेंथेनम फॉस्फोरिकम मैंने दिया था और प्रॉब्लम उसको क्या थी, ही हैड कम फॉर अ फ्रोजन शोल्डर। और उसकी फ्रोजन शोल्डर की जो प्रॉब्लम, लेंथेनम फॉस्फोरिकम को मैंने मंथली रिपीट किया एंड इन अबाउट 6 मंथ्स ही वॉज रियली फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसका जो फ्रोजन शोल्डर था वो ठीक हो गया। अब आप देखिए फॉस्फोरिकम को दूसरी तरफ भी देखिए, जब पेशेंट कहते हैं ये जाम हो गया है, ये खड़ गया है, ये थम गया है, हमारे पास एक रूब्रिक भी है, डिल्यूजन सीज्ड ही इज बीइंग। उसमें 3 रेमेडीज हैं, फॉस्फोरिकम है, कैंथारिस है और हायोसमस है। सो फॉस्फोरिकम वहाँ भी पड़ा है। सो आपका रूब्रिक एनालिसिस भी जो है ब्यूटीफुली आपको गाइड करते हैं कि कहाँ क्या चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है। सो लेंथेनम फॉस्फोरिकम उसको दिया गया एंड ही वॉज रियली आउट ऑफ द प्रॉब्लम। और ऐसे ही केसेस बहुत हैं, हम आपको आगे जाके जब भी कभी एडवांस्ड कोर्स करेंगे तो हम आपको लेंथेनम के केसेस जहाँ देंगे वहीं और एलिमेंट्स के जो लेंथेनाइड्स के हैं उनके केसेस भी शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन? सल्फ़र एलिमेंट जो मैंने आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स में बताया था कि सल्फ़र की अपनी एक ट्रेट्स हैं, सल्फ़र के अपने एक थीम्स हैं, जहां वो कहीं आपको पेशेंट में मिलेंगे सो वहां आप उसको लेंथेनम के साथ जोड़ के ग्रुप रेमेडी बना लेंगे, कंपाउंड रेमेडी बना लेंगे। सो सल्फ़र के तो ट्रेट्स हैं कि उसको लव और हेट, ये डीप लव और हेट किस रिलेशन में आता है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, या तो डीप लव होगा या अगर चीज़ें किसी हिसाब से उस एक्सिस पे नहीं चल रही है तो डीप हेट होगा। और सल्फर का आपको पता है कि वो इज्जत चाहता है, वो अपने आप को दूसरों के समक्ष देखते हुए वो कहता है मैं वेल्थ की डिल्यूजन में हूँ, उसको वेल्दी स्टेट महसूस होती है, वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझता, उसको लगता है दैट इनफाइनाइट नॉलेज भी उसको एंड ही नोज एवरीथिंग, वो इनक्विजिटिव है। अगर आप मेंटल माइंड रूब्रिक्स ऊपर जाओगे तो सल्फर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिरेशन फॉर थिंग्स नॉट एडमायरेबल एट ऑल, अभी आप डाल के देखिए सिर्फ सल्फर है उसमें। और सल्फर जो है वो गंदा मंदा मैला कुचैला जहाँ उसकी पर्सनैलिटी है, साथ में उसका एक जहाँ इंडिफरेंट टू पर्सनल अपीयरेंस है, वहीं वो दूसरी तरफ अपनी अपीयरेंस के साथ इतना जुड़ा हुआ होता है कि मैं जब बाहर जाऊँ तो मेरे कपड़ों से खुशबू आए, मैं पूरे ड्योर लगा के जाऊँ, मैं पूरी परफ्यूम्स के साथ लगा होके जाऊँ, वो नहाएगा नहीं पर बाहर से खुशबू लगा के जाएगा क्योंकि अंदर से वो गंदा है। उसकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो असल तो वो एक गंदी मैली कुचैली है पर उसको वो कैमोफ्लेज करता है, उसको वो ढक के रखना चाहता है और वो पुरानी चीज़ों से इतना लगाव रखता है, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं या वो इमोशंस के साथ कुछ जुड़ी हुई हैं, कि उनको वो छोड़ना नहीं चाहता, उनसे विसरना नहीं चाहता, उनको साथ में अपने हमेशा रखना चाहता है। और वो फिलोसोफर काइंड ऑफ पर्सन होता है जो मैले कुचैले कपड़े डाल के घूमता फिरता रहेगा और लोग कहेंगे कि क्या है कितना, पर अंदर से वो इनफाइनाइट नॉलेज, उसको पता है कि मेरे पास जित नॉलेज है, व्हाट डू यू नो, आई नो मोर देन यू, ये सल्फर है, आई नो मोर देन यू, वो डिल्यूजन में भी होता है। और जहाँ उसको लगता है कि मेरी अब ये वेयर विदल मेरी मनी, मेरे पास तो इतना है, अबंडेंस है हर एक चीज़ की, दोस्तों की भी अबंडेंस है, पैसे की भी अबंडेंस है, हर सहूलत जो है उसकी अबंडेंस है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर ज्यों ही उसको लगता है कि अब मेरा बटुआ थोड़ा खाली होने की तरफ जा रहा है, डिल्यूजन थिन इज गेटिंग, मेरे जो रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं, फिर वो पावर्टी में चला जाता है, उसको लगता है कि अब डाउन स्लाइड आ गई है। सो सल्फर तो इतनी ट्रेड से भरा पड़ा है कि यहाँ हम इसका इस्तेमाल देखते हैं कि हर
थर्ड पेशेंट जो है वो इस पॉलीक्रेस्ट एमडी का शिकार है, जिसमें आप उसको देखते हैं। और लेंथेनाइड के साथ भी वो ही इसके फीचर्स लगेंगे जो हमें वेल नोन है पहले से ही, लव हेट, जहाँ उसको इज्जत नहीं मिल रही है, उसको डिसरिगार्ड हो रहा है, चाहे वो आईपीआर में घर में है या बाहर है, जहाँ भी है उसकी बुक्कत जहाँ नहीं पड़ रही है वो सल्फर है। नमस्कार जी, आर्सेनिकम तो देखिए ना बहुत फेस्टिडियस है, बहुत क्लीनलीनेस वीक है। आर्सेनिकम भी कलेक्टर है सल्फर की तरह, पर फर्क यह है कि सल्फर गंदी चीज़ों को कलेक्ट करता है, आर्सेनिकम रिफाइंड चीज़ों को कलेक्ट करता है। और आर्सेनिकम फेस्टिडियस है, क्लीनलीनेस वीक इतना है कि जब तक चीज़ें ठिकाने पर नहीं हैं उसके मन को चैन नहीं मिलती। जो काम उसने अपने हाथ में लिया है, जब तक वो उसको बखूबी अपने हिसाब से अच्छी तरह से नहीं कर लेता, उसके मन को चैन नहीं पड़ती। और एक और आपने देखा होगा, एंग्जाइटी व्हेन समथिंग इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम, वो भी आर्सेनिकम है। वो कैसा इंडिविजुअल है कि अगर किसी ने उसको काम करने को दिया है, वो ये नहीं चाहता कि जिसको मेरे से काम एक्सपेक्टेड है उसको कहने की ज़रूरत पड़े या कमी निकालने की ज़रूरत पड़े, तो उसकी एंग्जाइटी उसी समय से ही शुरू हो जाती है उस काम को करते हुए कि मैंने इसको अच्छी तरह से बखूबी ढंग से करना है, ताकि जो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है परफॉर्मेंस, वो शिकायत का मौका उसको ना मिले। सो ये रिफाइंड रेमेडी है बहुत। और फ्लोरेटम जो है, फ्लोरेटम तो एक रेमेडी है जो इमोरल है, फ्लोरेटम रेमेडी है जो कि रिश्ते को कुछ भी नहीं समझता, वो बॉयंट है, बॉयंसी में फ्लोरेटम पड़ा है। डिल्यूजन बिट्रॉदल मस्ट बी ब्रोकन, वो तो तोड़ने के लिए लगा हुआ है। और ये कार्बोनिकम सीरीज का जो अखीरला एलिमेंट है हमारे पास 17th स्टेज में, वहाँ पे ये एलिमेंट है जहाँ पे उसको तोड़ने की ही बात हो रही है, मॉरल की बात हो रही है। उसके पास कोई मॉरल नहीं है, मॉरेलिटी गायब हो चुकी है। उसने जो एक संस्थापित और एक रिकग्नाइज्ड रूल्स प्रिंसिपल्स होते हैं ना सोसाइटी के, उसकी वो परवाह नहीं करता, वो बॉयंट है, ऊपर ऊपर ही वो तैर रहा है, वो गहराई में नहीं जाता रिश्तों को, तो वो तहस नहस कर देता है। तभी है रूब्रिक, बिट्रोथल मस्ट बी ब्रोकन। एंड एट द सेम टाइम फ्लोरेटम जो है ना, फिजिकल लेवल पे आप देखें वो इतनी गर्माइश महसूस करता है, इसलिए उसके रिश्तों में भी इतनी गर्माइश हो जाती है कि वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको ठंडक पसंद है। और फ्लोरीन हमारे दांतों के में भी बहुत यूज़ हो रहा है। फ्लोरीन एक हार्डेस्ट एलिमेंट है, हमारी डेंटिन जो है वो कितना हार्डेस्ट है हमारे दांतों में, उसकी फ्लोरीन की ज़रूरत है। हमारे टूथपेस्ट में फ्लोरेटम पड़ा है, फ्लोरीन यूज़ होती है। सो फ्लोरीन और आर्सेनिकम दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। आर्सेनिकम में तो लॉस है, उसमें यह है कि डेट इतना चढ़ गया मेरे ऊपर। और आर्सेनिकम में जो प्यूटिडिटी भी है, आर्सेनिकम में वेस्टेज भी है, आर्सेनिकम बने हुए भोजन को नहीं फेंकना चाहता। और एट द सेम टाइम आपने देखा होगा कि जहाँ जो स्टेल भोजन है वो खाने के बाद जो तकलीफ होती है, पेचिश हो गई, आपको डायरिया हो गया, आपका जी मतलाने लगा, आपको उल्टी आई, हम आर्सेनिकम देते हैं केसेस में। और फ्लोरेटम में जो है वो ये ट्रेट्स नहीं होती हैं। फ्लोरेटम तो टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड है, टोटली उसको किसी की इज्जत की परवाह नहीं है, वो तो अमोरल है, इमोरल एक्टिविटी में ब्रोमेटम की तरह जाता है, वो एक ही कॉलम में आते हैं सब, वो सिर्फ उनकी गहराई का फर्क है। जहाँ आपकी रेमेडी की सिलेक्शन थीमेटिक जो अप्रोच है उसके साथ सही है, तो वो तो फिर एकदम से काम करेगी। अगर आप फर्ज करो कोई पेशेंट है, वो ह्यूमिलिएट हुआ है बचपन में या घर में या बड़ा होके अपने वर्क प्लेस में, उसकी इज्जत नहीं हुई है, उसको हमेशा ही तिरस्कार किया गया है, वहाँ लगना तो है लेंथेनम के साथ कार्बोनिकम या फॉस्फोरिकम या सल्फ्यूरिकम, पर अगर आप उसके साथ ब्रोमेटम लगा देंगे तो फिर तो रिजल्ट आएगा नहीं ना।
वो आपको वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी जहाँ उसकी स्टक स्टेट है, कहाँ पे उसको ज़्यादा आघात पहुँचा है, कहाँ उसकी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हुई है और किसने वो कॉम्प्रोमाइज की है, वो एलिमेंट उस हिसाब से जुड़ेगा जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। वेलकम। सो अशोक जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइज टुडेज लेक्चर। सो कल को हम दूसरे एलिमेंट पे चलेंगे और सेम समय कल को इसी वक्त फिर मिलते हैं, और उस समय तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। कल को हम दूसरा एलिमेंट करेंगे जो सीरियम है लैंथेनम के बाद, और अगर समय बचा तो प्रोजाइडेमियम करेंगे या फिर प्रोजाइडेमियम परसों को लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। लगभग 3 से 4 साल से जुड़े हुए हैं, पर सर ग्राउंड में यानी इतना बड़ा नॉलेज होके भी सर डायरेक्टली पढ़े हुए हैं, स्टॉलवर्ट से पढ़े हुए हैं, तब भी सर ग्राउंड में है कि भाई मुझे इतना है ऐसा नहीं। हम फोन भी करते हैं ना, तो सर के जैसे जीनियस पर्सन हमने अभी तक नहीं देखा, मैंने मेरे लाइफ के लिए नहीं देखा, इसलिए मैं HHS की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, और अशोक सर को भी कहता हूँ कि अशोक सर इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनको भी धन्यवाद कहता हूँ HHS की तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंड वर्ड्स। हम इसके बिल्कुल भी नहीं डिजर्व करते भाई, आप हम सब इकट्ठे हम सीख रहे हैं एक दूसरे से, और जितना सीखेंगे उतना एक दूसरे से हम फायदा और लाभ उठा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स। थैंक यू, थैंक यू, मिलते हैं कल 8 बजे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके भैया, थैंक यू, सो नाइस ऑल ऑफ यू, थैंक यू, शुक्रिया।